मंजिलें एक, रस्ते मुख्तलिफ। कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, और मंसूर कहता है मैं। तो सर फिर जंग जंग किससे कर रहे हैं? हर चीज का आउटकम मोहब्बत की वजह से है ना, हर चीज की वजह मोहब्बत है, चाहे चाहत हो चाहे नफरत हो। अगर मोहब्बत नहीं तो क्यों चाहो? तो आप ये कह रहे हैं कि इंसान को जन्नत से निकाला भी मोहब्बत की वजह से गया था। और क्या, खुदा को प्यार था ना, एक कहानी बनानी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया बनाई ना। खुदा ने एक रूह बनाई और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पूरी दुनिया कायनात बना दी। मैं तो बात कर रहा हूँ हजरत आदम के तसव्वुर की मोहब्बत में, उनके कहने पे वो शजरे ममनुआ की तरफ हो गए। तो खुदा को पता था ना ये करना है, ये थोड़ी कि वो लाइल्म था। कहानी ऐसे लिखनी थी, मोहब्बत ऐसे शुरू होनी थी, ये दास्तान थी। मोहब्बत के पीछे सब गंवा दिया, जन्नत छोड़ दी, था ना प्यार। दुनिया का पहला कत्ल भी मोहब्बत के पीछे हुआ, सब कुछ मोहब्बत के पीछे हुआ, मारा और प्यारा सब मोहब्बत के हैं, जिसको मारा या जो प्यारा। अगर चाह नहीं तो फिर रह क्या गया? डर हर चीज, मोहब्बत जड़ है, मोहब्बत खुदा है। तो खुदा डराता भी तो है, हमारी हरकतें हमें डराती हैं, हमारे वसवसे हमें डराते हैं, हमारी बेईमानियां हमें डराती हैं। हम डरावने होते हैं इसलिए ताकि हम डराएं लोगों को, जो डराते हैं वो खुद डरे हुए होते हैं। सभी मज़ाहिब के अंदर आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं दोज़ख की आग से जो जोड़ा गया है, वो खौफ ही है ना, खौफ से डरा के ही मोहब्बत करवाई जाती है। हाँ, खौफ आखिर उसका इट्स दो चीजें हैं ना, या तो खौफ या तो जन्नत। तो हर चीज का बेस तो मोहब्बत ही हुआ, कहीं से भी आप उसको देखें, किसी एंगल से भी देखें तो मोहब्बत है। मोहब्बत ही से जा रही है कि अगर नहीं करेंगे तो डराया जा रहा है कि ये नहीं तो फिर ये। हर इंसान को समझाने के तरीके हैं, ट्रूथ जिस तरह मैं कहता हूं ना कि हक से बड़ा सच कोई नहीं और सच से बड़ा झूठ कोई नहीं। आप इस वक्त कह सकते हैं मैं एक 16 फुट की पेंटिंग देख रहा हूं, एक झूला देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे तो मटका नजर आ रहा है, सच मैं भी बोल रहा हूं, सच आप भी बोल रहे हैं। तो सबका सच और सबका सच हक, और है अनल हक हक पर कहनी ना थी, यार की महफिल से बाहर यार की महफिल की बात। सर मंसूर ने बेसिकली जो बात की थी वो थी एनिहिलेशन ऑफ ईगो। बिल्कुल, सब झगड़े अना के होते हैं, सब झगड़े अना के होते हैं, लोग कब कहां किसी के होते हैं। क्यों लगाते हैं आरजुए मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। तो हक क्या है, तो हक कैसे पहचानेंगे? क्योंकि किसी भी जमाने में डोमिनेंट एलीट जो होती है वो तो आपको हक के रास्ते पे चलने से रोकती है। मंसूर बिन हलाज के साथ ये हुआ, बुल्ले शाह के साथ ये हुआ, जीसस क्राइस्ट के साथ ये हुआ। तो मतलब हक के रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे तो आप तो मार दिए जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो है, आप किसी से जो उर्दू बोलता है आप उसे फ्रेंच क्यों बोलेंगे? तो यही हुआ, वो दूसरी जबान बोलने वाले थे, इनसे अरबी बोलना शुरू, उनको समझ नहीं, उन्होंने मार दिया। डर के मारा ना, अपने बचाव के लिए मारा, किस तरह हमारी अना बच जाए। मंसूर को मार दो, हमारी अना बच गई, लेकिन जिंदा कौन रहा? मंसूर जिंदा रहे ना। बुल्ले शाह का जनाजा ये ख्वाजा सिरा ने पढ़ाया,
उस वक्त के कौन आलिम थे, एक नाम बता दें, आपको नहीं पता होगा, बुल्ले शाह अभी तक जिंदा। तो हक रहेगा, सच मिट जाएगा, हर वक्त का सच और है। जब तक मरोगे नहीं जियोगे कैसे, और जो जीते हैं कब मरते हैं, जो जीते हैं कब मरते हैं, जो चाहें वो सब करते हैं। जीना तो दुश्वार नहीं, मुश्किल काम ये करने का कि मौसम पत्ते झड़ने का। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, जो नेक लोग हैं, जो जोड़ने वाले लोग हैं, वो आपको सच की तरफ कायल करेंगे। हक तो आपके अंदर है, डॉक्टर थोड़ी को बता सकता है आपको दर्द कहां है और कितना है, ये तो आप ही बताएंगे ना। वही है अनल हक, अगर खुदा आपके अंदर, तो आप बाहर क्या तलाश कर रहे हो। बाहर तो रस्ते हैं उस हक तक पहुंचने के, खुद तक पहुंचने के। भैया एक बोलता है इस गली से लो, एक बोलता है उस गली से लो, मंजिल एक, रस्ते मुख्तलिफ। कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। और मंसूर कहते हैं मैं जंग खुद से है, अना से है, जंग किसी और से नहीं है। हमारा तो है ही नहीं झगड़ा किसी से, क्या झगड़ा किसी से। जब कोई हमारे नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं वो दे नहीं सकता, जो दिन खबर के अंदर बाहर नहीं और जो बाहर वो अंदर नहीं, तो हमारा झगड़ा किससे होना चाहिए, किसी नहीं। हमारा झगड़ा तो अना का है, दूसरे से भी है तो अना का है। सुनने में बहुत अच्छी लगती है कानों को ऐसी बातें, फिर एक तरफ आता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड, दुनिया में देखी है जो तारीफ हमारे सामने, उसमें नजर आता है कि 47 के अंदर एक लड़की उसने की है, करोड़ों लोग, मुझे आज तक नहीं समझ पाया कि एक दूसरे को मार मारते क्यों, मतलब हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं किस वजह से, दे हैड एक्चुअली नो रीजन टू बी मार रहे थे, मार रहे थे। अभी 8 साल पहले उनके पास एक रीजन है, बाहर हाल कभी है, तुम जंग तो चल रही हो, तुम बह रहा है, लोग मर रहे हैं, और हर कोई यही समझ रहा है, मारने वाला भी यही समझ रहा है कि मार रहे हो, मरने वाला भी यही समझ रहा है कि मैं जंग तो है, कटी की तो जंग है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताए ना, सबसे ज्यादा इम्प्रैक्टिकल वही है, क्योंकि इसमें फियर है, इसमें गिल्ट है, इसमें ग्रीड है। एक इंसान में ये तीन चीजें डाल दें, उसे जो मर्जी करवा लें, जो मर्जी करवा लें। अब डराना किससे, लालच किस चीज की देनी, और गिल्टी कैसे करना उस चीज से जो कि दिखानी ना पड़े, उसी से डर लगता है ना। हमें किससे डराया, हमें भाव से डराया ना, हमें जिन से डराया ना, हमें दोजख से डराया, हमें पुलिसराज से डराया, और खुदा की पनाह में खुदा से डराया। वो भाई जिससे डरोगे उसके करीब जाओगे, उससे दूर रहोगे, दूर रहोगे ना। जब पता लगा खुदा हमारे अंदर है तो खुद से दूर थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ सच मीनिंगफुल कॉन्टेंट, शो योर सपोर्ट बाई हिटिंग द सब्सक्राइब बटन।